तो ये है सैमसंग A12, ये 12 इसका जो फैक्ट्री डाटा रीसेट करने का। तो उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग ओपन करना पड़ेगा फ़ोन का, और सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे नीचे आने का और अबाउट सेक्शन में क्लिक करने का। सबसे नीचे आपको दो नंबर पे मिलेगा इधर रीसेट, और इसमें चार ऑप्शन है। खाली आपका फ़ोन का सेटिंग रीसेट कर सकता है, दूसरा है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, यानी कि आपका सिम का कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो रीसेट कर सकता है, और ये जो अकाउंट वगैरह सब एक्सेस मतलब जो भी है नीचे वाला है वो फैक्ट्री डाटा रीसेट करेगा तो पूरा का पूरा जाएगा। तो इसमें ले सिंपली को क्लिक करने का, और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अभी इसमें डिलीट वॉल बोले तो सब कुछ डिलीट होता है इसमें, और उसको क्लिक कर देगा तो आपका जो फ़ोन का जो भी डाटा है पूरा डिलीट हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से डिलीट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कुछ मिनट आपको वेट करने का, ऑन होने तक कुछ नहीं करने का, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और बाकी आगे दिखाता है वेट करने का। आपको अपना जो फ़ोन है ये पूरे तरीके से फॉर्मेट हो रहा है। और देख सकते हैं अपना जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, लगभग 5 से 10 मिनट का अंदर वेट करना पड़ा और उसके बाद चालू हो गए। तो हम दोबारा इसको फ़ोन को स्टार्ट करते हैं ओपन करने के लिए। नीचे का ये वाला सब अलाउ डालने का, एग्री में क्लिक करने का, और नीचे स्किप लिखा होगा स्किप करने का। और इसके बाद आपको इसमें क्लिक करने का डोंट कॉपी, इसमें और मोर में क्लिक करने का, और एक बार मोर एक्सेप्ट में, और स्किप क्लिक करने का, दोबारा स्किप। और नेक्स्ट करने का, और स्किप। और लास्ट में है ये फिनिश। देख सकते अपना जो फ़ोन है वो पूरे तरीके से फॉर्मेट होकर ऑन हो चुका है, और इसके अंदर अभी दूसरा कुछ नहीं है, सब डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप आपको फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोनों कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।